नमस्कार, क्रिकेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे इस वक्त की मथुरा से आई एक बड़ी खबर की ओर। भगवान राम अपने 14 साल के वनवास को काट जब घर लौट कर आए तो अयोध्या का माहौल कैसा था वो हम सब किताबों में पढ़ा करते हैं। कुछ ऐसी ही खुशी आज माँ ने भी महसूस की जब वो अपने बेटे से पूरे 13 साल के बाद मिले। जी हाँ, खबर मथुरा से है जहां 13 साल पहले अपने बिछड़े बेटे से मिलने के बाद माँ अपने आंसुओं को रोक ना पाई। मामला बिहार के सहरसा जिले का है जहां महिला अपने बेटे को 13 साल पहले खो चुकी थी, जिसके बाद अब उसने अपने बेटे को इतने सालों के बाद दोबारा वृंदावन के आश्रम में हासिल किया। क्या लगता था आपको, मिलेंगे नहीं मिलेंगे इतना लंबा? जी मिलेगा। अच्छा, आपा कहती थी कि मिलेगा जरूर, ठाकुर जी पर विश्वास था आपको। अभी आप कैसे आए वहाँ से? ट्रेन से आए, बस से आए, ट्रेन से आए। दिल्ली आए। कब चले थे घर से? परसों चले थे, कल आए। परसों चले। आपको ये पता कैसे चला था कि ये भैया यहाँ वृंदावन में? सर, जो बड़ा बहू थे थाना से, बड़ा बहू ने प्रधान को कॉल किए हमारे विलेज गांव में, वहाँ से प्रधान ने हमको लड़का भेजे घर पे कि छोटू मिल गया है, थाना में है। अच्छा, तो उसके बाद भाग के गए तो बोले किसी नहीं यूपी में है, सुबह चलेंगे थाना में। तो SHO साहब से बातचीत हुई, उन्होंने आपके एड्रेस दिए वृंदावन के। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन, जो भी ट्रेन मिली लोकल ट्रेन चाहे जैसे भी, उसमें बैठ करके हम लोग आ गए, जंडल में आ गए यहाँ पे। उसके बाद आपसे बातचीत हुई, फिर रात में नाइट में दिल्ली रुके, उसके बाद सुबह बस में यहाँ पे आए आपके आश्रम। आज 53वें पुनर्वास के मौके पर हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो जो व्यवस्थाओं के संचालक हैं आप उनसे एक बार जानेंगे। सभी हैं यहाँ पर। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये प्रभु जी किस कंडीशन में मिले थे और कैसे इनको रेस्क्यू किया गया था? हमारे डॉक्टर BM भारद्वाज जी वृंदावन आश्रम पे आए थे विजिट करने, तो वो लौट के आ रहे थे, तो वैष्णो देवी मंदिर के पास उन्होंने भरतपुर जाते समय सूचना दी कि यहाँ पर प्रभु जी है। तो मैं और यहाँ के व्यवस्थापक योगेश शर्मा हम एम्बुलेंस लेके गए वहाँ पर, और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे जो उन्होंने जगह बताई थी वहाँ पे हमको ये मिले, और वहाँ से इनको आज से लगभग 2 महीने पहले रेस्क्यू करके लाए। और हमने इनको मानसिक, इनकी हालत सही नहीं थी और काफ़ी खराब स्थिति में थे, तो इनको लाकर हमने यहाँ पर फिर इनका जो हमारे आश्रम का विधि विधान से अभिषेक वगैरह होता करने के बाद इनका मानसिक इलाज जो हमारे डॉक्टर श्री रंजीत चौधरी जी देखते हैं, तो उनको हमने इलाज कराया। तो पहले ये वृंदावन के सुदामा कुटी या कहीं कहीं अपना एड्रेस बताते थे गलत, जो काफ़ी हमारे धन्नाराम जी के द्वारा भी खोजबीन करी गई, परंतु वो वहाँ पर कोई भी उनकी पता नहीं लगा। फिर इनको धीरे धीरे दवाइयों के माध्यम से जो मानसिक उपचार हुआ उससे इनको याददाश्त जब आई, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है और हम बिहार के रहने हैं। फिर उन्होंने अपने गाँव का पता बताया, तो फिर हमारे यहाँ के ऑफिस के व्यवस्थापक के द्वारा वहाँ पर संपर्क साधा, उसके बाद इनको ये रेस्क्यू किया। क्या विपद है साहब, बहुत ही खुशी हो रही है। 13 साल बहुत लंबे समय होता है। 2009 में, अक्टूबर 9, 2009 में ही घर से बिछुड़ गए थे। इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। सुनने में आया माँ 3 महीना पहले आई बिहारी जी से, अरदास लगाई है कि हे बिहारी जी मुझे मेरा बेटा मिला दे। मालूम पड़ा कि ये गोपाल जी लेके गए, लड्डू गोपाल जी घर में स्थापना करी है। वाकई बिहारी जी की कृपा से, वो गोपाल जी की कृपा से आज इनको अपना रियल गोपाल जी मिल गए। 22 अगस्त को हम यहाँ रूटीन में आए थे एक बातचीत करने पे, इनका नाम सुबलदास जी था। सुबलदास जी से ये इन्होंने बताया कि मेरा नाम छोटू है। मैंने बोला आज तुमने और बहाना बना लिया, बोले नहीं नहीं मेरा, आप मुझे घर ले चलो। मैं लाया कार्यालय में, बात करी और फिर सरसा जिला कंट्रोल रूम से संपर्क किया, उसके बाद कोतवाल का नंबर मिला। प्रधान आप विश्वास करेंगे कि अगले 2 घंटा के अंदर परिजनों से बात हो गई। और 13 साल बहुत लंबा, जब 13 साल की उम्र में थे तब ये घर से खोए हैं, और ठीक 13 साल बाद आज हमारे सुबलदास उर्फ छोटू जी महाराज माँ से, भाई से, फूफा से, जीजा से, जीजा से, भाई से, 13 साल के निकले थे, 13 साल आज सभी साल के हैं। हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, सब समिति से और से शुभकामनाएं देते हैं कि अब ये खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपने माता पिता की सेवा करे, और ऐसे हमारे खंडेलवाल जी, शुक्ला जी की तरह समाज में कोई ऐसा कार्य करे जैसे इनकी भी आदर्श स्थापित हो, और हम यही आप सबसे प्रार्थना करते हैं। राधे राधे डॉक्टर साहब, आज लगातार आप अपना घर में सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से आप भी आ रहे हैं, आप देखते हैं प्रभु जियों को,
मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप पुनर्वास के मौके पर यहाँ मौजूद हैं, परिवारी जन भी हैं, प्रभु जी भी हैं, और जब ये प्रभु जी जा रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह की? अच्छा लगा, 13 साल के बाद ये पुनः मिले हैं जी। हम ये चाहते हैं कि अपना जिंदगी में तरक्की करें, आगे नाम रोशन करें, और अपना घर आते रहें, मिलते रहें कभी-कभी। डॉक्टर साहब के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं। एक्चुअल जो रियल खुशी होती है वो अपना घर की जो टीम है उसको इतनी खुशी होती है कि जब भी वो कोई भी प्रभु जी अपने परिवार तक पहुंचता है, ऐसा लगता है कि हमारी जो सेवा थी वो सफल हो गई, प्रभु जी को हमने उनके परिवार, हमारा जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, जितने भी प्रभु जी हैं उनको उनके परिवार तक पहुंचाना है। राधे राधे। क्या लगता था आपको, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इतना लंबा दिन जी आत्मा।